उसमें पारदर्शिता थी कि आप कितने दिन के आप तो केवल नाम जारी कर देते हैं, क्या पारदर्शिता है बताइए। तो आया है ना कि नहीं, गोरखपुर बाबा जी क्षेत्र बातें करिए, बात तो एकदम माहौल गर्म हो गया है, ठंडी था लेकिन गर्म माहौल। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और मंत्री अपना क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं, जनता घुसने नहीं दे रही है। सीएम का हाल ही है, सीएम का हाल ही है कि जनता डंडा लेके भगा रही है उनको, कौन टिकट पा करके वापस करके भाग कि टिकट ले ले करके कहना भैया हम नहीं लड़ रहे। समाजवादी पार्टी का गठबंधन का कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसने अपना टिकट वापस किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जिस गांव में जा रहे किसानों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया है उसको लेकर किसानों में रोष है पूरी तरह से, इसलिए इनको गांव गांव से खदेड़ा हो रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ है उस तरह से यूपी में खदेड़ा हो रहा है इस बार। अभी आप लोग सरकार में आए नहीं, गुंडे ही चालू है, कार्यकर्ताओं घुमा रहे हैं, सरकार में आने का क्या करेंगे, गोली चलाएंगे आप, गोली चलाएंगे दौड़ा रहे टोटल सपा के कार्यकर्ता है। आज हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा सीट पर, और यहां पर मुद्दे कई हैं और चुनावी तापमान में गर्माहट देखने को मिल रही है। हालांकि शीतलहर चल रही है लेकिन चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है, और इस समय हम हैं कबीर घाट पर संत कबीर नगर के, और यहां पर सवार होने जा रहे हैं अवध एक्सप्रेस पर, और यहाँ पर संत कबीर नगर की आवाम इस अवध एक्सप्रेस में सवारी कर रही है और हम भी चलते हैं इनके साथ, जो है हाल देखने की माहौल संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा में माहौल कितना गर्म है। तो कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि मौसम में भले ही ठंडी है लेकिन राजनीतिक तापमान में काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो जनता है वो हम जनार्दन होती है और अपने अपने विधानसभा का मुस्तकबिल या जनता लिखती है। तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे हम कि माहौल संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा में माहौल कितना गर्म है। ये मगहर का कबीर घाट है और खलीलाबाद विधानसभा है, और यहाँ खलीलाबाद विधानसभा की जनता जो है जनार्दन हमारे साथ है और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा में कौन मुद्दे हैं और इस विधानसभा में इस बार विधानसभा के चुनाव में कौन सी मुद्दे चलेंगे। आप बताइए क्या नाम आपका? अनिल यादव। अनिल जी आपसे जानना चाहते हैं अब की बार विधानसभा के चुनाव में कौन से मुद्दे जो है इस बार चलेंगे और कौन कौन से मुद्दे आप देखते हैं? देखिए खैलाबाद विधानसभा में बहुत से मुद्दे हैं, ये सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसने खाली आश्वासन दे करके कोई ज़मीन पे काम नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के वहाँ रोडवेज नहीं है, कताई मिल बंद है, गांधी आश्रम मिल बंद है, सारे कल कारखाने बंद हैं, और मतलब किसान बेहाल है, बेरोजगार बेहाल है, छात्र अपनी मांग कर रहे हैं तो मारे जा रहे हैं, हर चीज़ से समझ लीजिए भय भूख और भ्रष्टाचार का नारा देने वाली ये जो भाजपा सरकार है हर मुद्दे पे फेल है, ये सरकार किसी भी मुद्दे पे कामयाब नहीं है। देखिए किसानों की बात ले लीजिए, अभी किसान अपनी बुआई के लिए न समय से बीज पाया है, न खाद पाया है, न कहीं पे उनको कोई व्यवस्था हो पाई है, मांगने पे हर सुसाइड पे ब्लैक में खाद लिया गया है। ये सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। हम मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से किस आधार पे आप किसानों की आय दोगुना करेंगे। ये डीजल पेट्रोल का ले लीजिए आप, हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि मतलब 100 के पार चला जाएगा। हम लोग सोचा करते थे कि ये डीजल पेट्रोल कभी होगा 100, 5-7 साल बाद जाएगा कि 100 रुपये तक
ये लोग हम लोग चर्चा करते थे कि मतलब 100 रुपया भी हो सकता है डीजल पेट्रोल, और ये नहीं था कि इसी साल जो है 100 रुपया बढ़ा करके कर दिया जाएगा। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा कि मतलब इतनी महंगाई चरम सीमा पे है। आप देख रहे हैं खेतों में जो है फसल उगी हुई है, जानवर है, सांड एकदम छुट्टा घूम रहे हैं, सब फसल बर्बाद कर दे रहे हैं, खाद बीज मिलने वाली नहीं है। सरकार कुल मिला जुला के ये नौजवानों, किसानों और सब जो है काफ़ी मुद्दे हैं, आपसे जानना चाहते हैं। चाय का आपको नज़ारा दिखा दे कि अवध एक्सप्रेस जो है जो आमी नदी पे इस समय सवारी हम लोग कर रहे हैं और चाय पे चर्चा भी हो रही है, ये जनता जनार्दन होती है और जनता ही शायद जो है मुस्तकबिल तय करती है सरकार का, और अपने विकास का भी मुस्तकबिल यही जनता तय करती है। तो यहाँ चाय की चुस्की के साथ जो है ये खलीलाबाद विधानसभा की जनता जो है चर्चा कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा में, खलीलाबाद विधानसभा में कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है आप लोग वोट करेंगे? खलीलाबाद विधानसभा एक लोकप्रिय विधानसभा है और हमारी जनता यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत से काम किए हैं और आगामी काम करने के मुद्दे पर हम वोट देंगे, क्योंकि सबका विकास पार्टी के इस सरकार के ऊपर रहा है। सरकार ने विपत्ति काल में हर घर को राशन दिया, हर घर को बिजली दिया, जहां आज़ादी के बाद आज तक बिजली की नहीं पहुंची थी उसको बिजली दिया। सारे जो जनहित के मुद्दे थे, जो जिनका नारा सबका विकास सबका साथ, उनको पूर्ण करके दिखाया है। आपके हर गाँव में नगरीय स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया, मेडिकल कॉलेज इस संत कबीर नगर में खलीलाबाद विधानसभा में स्थापित होने की बात हो रही है, जेल हो गया हमको जहां जाना पड़ता था बस्ती, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में और सरकार ने पूर्ण किया है। आप भाई साहब ने कहा कि जो किसानों को खाद नहीं मिला, आप इनको पता होना चाहिए किसान खाद लेने के लिए लाठियों से मारा जाता था, गैस लेने के लिए लाठियों से पीटा जाता था, 24-24 घंटे बिजली नहीं होती थी, दिन दहाड़े हत्या हो जाती थी, हमारे घर की बहू बेटियां सड़कों पर जा नहीं सकती थी शाम को। आज निर्धन होकर के किसी भी महिला से पूछिए तो वह कहती है, बोलती है कि योगी जी के राज में गुंडई समाप्त है, हम लोग चाहे जब 24 घंटे आते जाते हैं, स्वतंत्र रूप से आते जाते हैं, किसान के घर सम्मान निधि के रूप में पैसा मिल रहा है कि जो बेचारा खाद न खरीद पाने के नाते किसान अपना खेती नहीं कर पाता था, उसको सरकार सहयोग दे करके आज किसानों को राहत दे रही है, किसान स्वतंत्र रूप से खाद ले रहा है, डीजल पेट्रोल मिल ही रहा, जहां लाइन लगाते थे कि डीजल नहीं मिल रहा है हाहाकार मचता था, आज स्वतः जा करके अपना ले रहे हैं। रही महंगाई की बात तो सब सारा देश जानता है कि विपत्ति काल देश में था, उसका थोड़ा सा असर हम महंगाई पड़ा है, उसको भी सरकार ने समय रहते किसी अन्य देशों से मांग न करके अपने व्यवस्था पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर के आज भारत की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक रूप से आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने इस देश को तीसरी शक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने को स्थापित किए हैं। तो इस जनता पुनः आशा करती है कि योगी जी की सरकार आएगी तो हमको पुनः जो राम राज का में अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करेंगी। रही सूती मिल की बात, हमारी सरकार कल्याण सिंह की थी, सूती मिल को पैसा दिया, वर्तमान सरकारों ने खा गए, गांधी आश्रम वालों को सहयोग किया, और धीरे धीरे बात हो रही है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बगल के जिले के हैं, उनका आपकी ध्यान है कि हम लोग सूती मिल बनवा चलेगी, गांधी आश्रम की स्थापना 4 साल में, 5 साल में अब तक क्यों नहीं सूती मिल चली? अरे भाई 7 साल में चूंकि सूती मिल का एक प्राइवेट कंपनी बनाम सरकार से लिमिटेड झगड़ा है, प्राइवेट वाले ने खरीदा है, जब तक उसके मुकदमे का हार मानने को सरकार कैसे आ दी? सरकार तो अपने हिस्सा मिला जुला के भारतीय जनता पार्टी के राज में सब लोग दूध भात खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजेश यादव। क्या मानते हैं कि सारे लोग दूध भात खा रहे हैं? नहीं, इस सरकार में आपने सिर्फ खलीलाबाद की बात की, मैं सारे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, ये कहीं है आपको? कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं है। जो छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान की बोरी जो खाद की 50 किलो की थी 5 किलो खा गए योगी जी मोदी जी मिलके, उसको 45 किलो उन्होंने कर दिया है, वो भी मिलना मुश्किल हो रहा है किसान को। छुट्टा जानवर छोड़ दिया है कहने के लिए, खाली बाड़ बना दिया है उसमें जानवरों को छोड़ दिया गया, जानवर मर रहा अलग, 1 रुपया किलो भूसा देते हैं योगी जी, 6 रुपया किलो बाहर मिलता है, बताइए वो जानवर को कैसे खिलाएगा? तो कुल मिला के ना किसान
खुश है, ना जवान सुकून है, ना छात्र परेशान है, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। इस सरकार को जाना तय है और ये सरकार जा रही है। किसान का जो हालत इन्होंने किया, तीन कृषि कानून लाए, गोदाम पहले बन गए। आप हरियाणा में जाइए देखिए जाके, गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया, समझ रहे हैं आप। तो कितनी मिली जुली है सरकार, टाटा अंबानी और अडानी की सरकार है ये। ये सरकार न गरीब की है, न किसान की है, न नौजवान की है, न किसी की। तो सरकार लोगों का मानना है कि अडानी और अंबानी की सरकार है और सरकार अब की बार जाने वाली है। आप बताइए, नौजवान है, आप बताइए कि जो इनका कहना, भाई साहब का कहना है कि जो है बहुत काम हुआ है खलीलाबाद विधानसभा में, आप क्या मानते हैं? खलीलाबाद में जो काम हुआ मैं बता दे रहा हूँ। माननीय कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जेल का निर्माण हुआ, नगरी स्वास्थ्य केंद्र बना, जो कि जेल का निर्माण जो हुआ था माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ था। नगरी स्वास्थ्य केंद्र 2013 में बना है, जो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इनके सरकार में हमारे विधानसभा में एक चीनी की मिल थी जिसको बेच दिया गया। बेचने के बाद उसके ईंट ईंट को नीलाम कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। चिकित्सा के नाम पर ये पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष ऑक्सीजन के अभाव में सरकारी अस्पताल के गेट पर तड़प तड़प के मर गया। कोरोसिल जो पैरासीटामॉल थी, कोरोना काल में पैरासीटामॉल इनकी सरकार में ब्लैक हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जनता त्राही त्राही कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तरफ अव्यवस्थाओं का खेल था और एकमात्र इनकी राजनीति है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, तुष्टिकरण की ये राजनीति करते हैं। जिस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश की थी, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें काम कर रहे हैं। बताइए, मुख्यमंत्री की ये भाषा होती कि लड़ाई 80 बनाम 20 की है इस लोकतांत्रिक देश में, ऐसी भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री कह रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने पहले ही उसको लखनऊ से हटा के, जो उसका मुख्य स्थान गोरखपुर था, वहाँ भेज दिया है। आप क्या मानते हैं कि आरोप तो बहुत हैं बीजेपी पर कि बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल चरमराई हुई थी, आप क्या मानते हैं? इन लोगों का जो आरोप है टोटल निराधार है, कोई दम नहीं है। आप देखिए, आप तो जगह जगह जाते ही होंगे, जनता का मूड असलियत में आपको पता होगा। लोग प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, लोग योगी और मोदी को देख रहे हैं। विकास हुआ है, जरूरत से ज़्यादा विकास हुआ है, उस विकास के नाम पर योगी की पुनः सरकार बनने जा रही है। एको रोड सही नहीं है और आप कह रहे विकास, भाई साहब कहाँ रोड नहीं सही है, आप बता दीजिए। मगहर की मेन रोड तक टूटी है, मगहर में जितने भी रोडे हैं सब सही, एकदम टोटल सही है। आप चल के देखिए, हम तो जिस रोड से आए हैं, मेन रोड मगहर की हाईवे से जो कटी है अंदर आई है, वो भी टूटी हुई है। वो टूटी इसलिए है कि वाटर सप्लाई का पानी गया है और जो लोग कनेक्शन ले रहे हैं वो टूट गया है, गड्ढा हुआ है, लेकिन उसकी भी गड्ढा की पूर्ति होगी। क्या नगर पंचायत ने अगर तोड़ी है तो आखिर क्या है? नगर पंचायत में भी तो बीजेपी का ही चेयरमैन है ना। हाँ, तो उसका काम तो होवे करेगा, होगा। अभी तो लोग ले रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं, उसको देंगे पानी कनेक्शन ले रहे हैं और उसको गड्ढा हो रहा है, उसको ठीक किया जाएगा। आप क्या मानते हो? ये सब बस ढकोचला और कुछ नहीं है। आप आए होंगे, देखे होंगे, मगहर के मेन रोड से आए होंगे यहाँ तक, आपके कमर में दर्द हो गया होगा, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई बीजेपी के राज में कुछ काम नहीं हुआ, अभी बस नौजवान को लाठी मारा गया है। अभी आप बिहार में देखेंगे नौजवानों को कितनी बुरी तरह से मारा गया है, और इलाहाबाद में देखे हैं जो छात्रों के रूम में बंदूक के बट से मारा गया, इसे जैसे आतंकवादी कोई मारा गया उस तरह से मारा गया। पूरे नौजवान आने वाले नज़दीकी चुनाव में एक एक नौजवान इस बाबा के ताबूत की आखिरी किल बन के आएगी और इस बाबा को फिर से गोरखपुर में भगा के नौजवान तभी सांस लेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में लखनऊ में सीएम बना के ही सांस लेंगे। तो कुल मिला जुला के जो है लोगों का मानना है कि जो है व्यवस्थाएं सही नहीं है बीजेपी राज में। आप बताइए कि क्या मानते हैं कि जो है खलीलाबाद का कितना विकास अब तक 5 साल में हुआ है और आगे किसकी सरकार होनी चाहिए? सर, हमारा मानना कि समाजवादी की सरकार होनी चाहिए। वो क्यों? सर, कहें कि ना युवाओं के लिए इसमें योगी सरकार में युवाओं का कोई सुनवाई नहीं है। कहें कि जो हम लोग सर लाठी मारा जा रहा है युवाओं को, हाँ, रोजगार के लिए, रोजगार की बात रखा जाता तो मारा जाता है, डांटा जाता है, FIR किया जाता है। आप बताओ क्या नाम आपका? शुभम कांडू। तो क्या मानते हैं कि कितना जो है कौन सी सरकार अब की आनी चाहिए?
इसमें संदेह की बात ही नहीं है, योगी जी पुनः पूर्व बहुमत से 350 प्लस सीटों से सरकार बना रहे हैं। क्यों, कैसे, किस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर सर आपको पता होगा, इसके पहले 6 प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश ने दिया है, 6 प्रधानमंत्री, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सोचा। आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा कि कहां कहां से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कहां कहां से लोग पैदल आ रहे थे। इसका कारण कौन था? पिछले सरकारें थी जिन्होंने अभी तक यहां की रोजगार की मुहैया नहीं करवा पाई इतने सालों से, और कितने लोग मर रहे थे उसकी वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर पाए, ऑक्सीजन की नहीं व्यवस्था कर पाए, लेकिन हमारी योगी सरकार, मोदी जी की सरकार खलीलाबाद में भी तो ऑक्सीजन की बहुत कमी देखी गई थी। हाँ तो सर, अब एक बैग आपके घर में 6 फैमिली हैं, छहों को छह बीमार पड़ जाए तो व्यवस्था तो कमी हो गई, लेकिन एक अच्छा गार्जियन उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ठीक करने की व्यवस्था करता है, वो हमारे योगी जी ने किया। आप बताओ, आप किसकी सरकार अब की होनी चाहिए विधानसभा में? सरकार देखिए, विकास तो देखिए मोदी जी बहुत किए हैं, जैसे मानते हैं अपना कबीर चौरा में भी यहाँ इतना मंदिर का विकास किए, अभी विद्यालय बना रहे हैं, हर चीज़ कार्य कर रहे हैं, तो इनके कार्य क्षेत्र में कार्य की कमी नहीं है। अयोध्या का निर्माण करवाएं, बहुत सारी कार्य कराएं, पर यह है कि इसमें जनता परेशान है, हर जनता परेशान है, यह सत्य है, इसमें कोई अति दोहराई नहीं है। जो आप बताइए, आप क्या मानते हो सरकार अब की आनी? आप बताइए, क्या नाम आपका? पवन यादव। क्या मानते हैं किसकी सरकार अब की आनी? देखिए, मैं एक कर्मचारी हूं और कर्मचारियों की एक बहुत ही पुरानी मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके शासनकाल में बंद किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब ये सांसद थे 2013 में, इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखा था कि कर्मचारियों के हित में 2013 में इन्होंने लेटर लिखा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के हित में है और इसको बहाल किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री यहाँ बने, कहीं किसी कर्मचारी के किसी भी कार्य को किए नहीं, पुरानी पेंशन के लिए जो चिट्ठी लिखे थे उसको भी अपने वादे को भूल गए। इनको जो हमारे लिए हित की बात करेगा, पुरानी पेंशन की बात करेगा, वो सरकार में राज करेगा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि पेंशन बहाली 2005 से की जाए। जी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करेंगे अगर वो पुरानी पेंशन बहाल करते हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, जो अटल बिहारी जी ने बंद कर दिया, बड़े दिल का काम करके। आप बताइए आप क्या नाम है? अनिल गौड़। क्या मानते हैं कि किसकी सरकार अब की होनी चाहिए? योगी जी की। कारण? कारण मैं उनके कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूँ। मिला जुला असर है यहाँ लोगों का, और कुछ लोग योगी जी को की सरकार पुनः चाहते हैं और कुछ लोग सरकार के बदलाव के मूड में। आपका क्या नाम है? रामकरण। रामकरण जी, आप क्या मानते हो कि खलीलाबाद में कितना विकास अब तक हुआ है विधानसभा में और किसकी सरकार अब की आनी चाहिए? नहीं, योगी जी ने तो कुछ काम सही किया है, कुछ काम तो भाई सही, वास्तव में जो मार साहब बतलाए हैं कुछ काम अधूरा है उनका। किसकी सरकार आनी चाहिए? अब देखिए, आपकी जो बात माने, जो बदलाव के मूड में है कि रिपीट करेंगे सरकार? बात अगर मानती है सरकार, मान लीजिए जैसे पेंशन की बात मारसा किए हैं, तो अगर पेंशन वेंशन की बात सरकार मान लेती है तो यही सरकार ठीक है। पेंशन की बात तो पेंशन की बात अगर है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सरकार रिपीट भी हो सकती है, वरना सरकार के बदलाव के। आप क्या मानते हैं? हम तो यही मानते हैं कि जो अभी ये चाचा जी बोले पेंशन की बात, वो हमारे अखिलेश यादव जी ही मानेंगे, और जितने 2005 से जितना भी पेंशन रुका हुआ है सब बहाल होगा। अखिलेश यादव जी, 5 तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने तो युवाओं की हड्डी तोड़ रही है और बुढ़ापों की बुढ़ापा खराब कर दी है भाई। और हमारे अखिलेश यादव जी बुढ़ापे में बूढ़े लोग को जवान कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल को लेकर भी माहौल गर्म है? आप देख लीजिए, नेहा सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार का जितना काम है एक गाने के माध्यम से उन्होंने उसी में समेट दिया है। आप खुद सुन लीजिए उस गाने को, यूपी में काबा, तो सारे लोगों को पता चल जाएगा कि एक लड़की, एक महिला ने एक गाने के माध्यम से भाजपा सरकार के जितने कारनामे हैं उसी में समेट दिया है। आप खुद जान जाएंगे क्या यूपी में का बात का है। नेहा ब्याह कर थी, नेहा मर्द का है खोजे आ गई, लेकिन जहाँ ना बिहार में, अब बिहार में आ यूपी में तो बटले बा, लेकिन उनके जवन सच्चाई बा उसने उस अपने गाने के माध्यम से जग जाहिर कर दिया है।
बीजेपी वाले महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक महिला ही है जो यूपी में काबा जो गाना गाई थी और उसके बीजेपी आईटी वाले पूरे उनके पीछे लग गए थे, उनको पूरा बदनाम करने की काम कर रहे थे। और महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं चुनाव में पर्चा या मतलब नहीं होता कि स्वच्छंद होकर के किसी भी तरह संस्कृत के सभ्यता पर दाग लगावे, अपने दायरे में रहे, भारतीय संस्कृत के अनुसार परंपरा के अनुसार वो चलना सीखे। महिला सशक्तिकरण की बात वो कर रहे हैं जिनके पिताजी कहते हैं बच्चे हैं गलती हो गया, महिला सशक्तिकरण की वो बात कर रहे हैं। भाजपा वाले देखिए अभी ज्वलंत मामला है, पर्चा दाखिला करने जा रही महिला उसका चीरहरण कर दे रहे हैं, उसकी साड़ी खींच ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनका संस्कृत पे हमला हो रहा है, इनका संस्कृत पे हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये एक उदाहरण बता दे जो भारतीय संस्कृत पे किसी ने हमला किया है। नेहा सिंह राठौर किसी दल की नेता और नेत्री नहीं है, वो इंडिपेंडेंस है, गायक है, कवित्री है, वो किसी दल की नेता नहीं है। आप क्या मानते? अरे भाई इनको पता होना चाहिए पति देवता के रूप में पूजा जाता है, पूजनी हो जाता है और ससुराल उसका घर होता है, वो अपने पति को स्वीकार नहीं कर रही है तो भारतीय संस्कृति पर चोट कर रही है कि नहीं कर रही है? खाली ये जुमलाबाजी है, पैसे के चक्कर में अपने वो विदेशी सत्ता को परोसने का कार्य कर रही है। जिस तरह से इनका सांसद गायक जो है रवि किशन वो पेड सिंगर है, उसी तरह एक नॉन पेड सिंगर को ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बिहार में भी उसने अपना जलवा दिखाया था, खदेड़ गई, आज यूपी में भी आ रही है, अब रो रही है। मेन मुद्दे हैं, बात उस पर होनी चाहिए, ये बात हो गई। बात जो है नौजवान की होनी चाहिए, भविष्य की होनी चाहिए, किसान की होनी चाहिए। नौकरियां मिली, नौजवान नौकरी नहीं पाया, जिस स्कूल पर एक प्राइमरी जा रहे चार, आप बताइए ना, सारे जितनी भी भर्तियां निकली सारे पर्चे लीक हो गए। चलो ये बता दे, फर्टिलाइजर में भर्ती हुई, अरे एम्स में भर्ती हुई, एक विज्ञापन ये दिखा दे, एक विज्ञापन दिखा दे सिर्फ मंत्री और विधायक के लोगों का, एक उच्च और स्वर्ण जातियों का, सिर्फ जान के जानते हुए भी सबको नियुक्ति की गई और किसी तरह का कोई इश्तेहार पे सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर का 150 सीटें निकली थी जिसमें 100 ठाकुरों को उन्होंने भर्ती किया। क्या और कोई जातियां नहीं थी क्या, या और काबिल लोग नहीं थे क्या वहां पर? तो जातिवाद ये करते हैं, जब चुनाव आएगा तब ये हिंदू बना देंगे हमको, जो और जैसे ही चुनाव जाएगा हिंदुज्म खत्म, हम यादव चमार सियार सब बना देंगे। इस देश में 1400 साल तक मुगलों ने कब्जा राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, 70 साल कांग्रेस ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, 7 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने 7 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज किया और हिंदू खतरे में आ गया। कैसे हिंदू का खतरे में? कैसे हिंदू कभी खतरे में नहीं था, इनका सोच गलत है, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आप बताइए कहाँ हिंदू खतरे में, कहाँ हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं, बात ये नहीं है, बात ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू चीफ मिनिस्टर है, फिर हिंदू खतरे में कैसे है? कैसे हिंदू खतरे में आ गया भाई? ये खाली हमें समझाते हैं, हिंदू का डरवाते हैं, जब सब हिंदू ही हैं तो हिंदू खतरे में कैसे आ गया भाई? आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि जातिवाद कितना हावी रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में जातिवाद हावी नहीं रहेगा, सब लोग राष्ट्रवाद के विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, अगर हिंदू खतरे में नहीं हो, जो 14 साल की बात करते हैं, 14 साल में हमारे देश के राष्ट्रीय अस्मिता के चिन्ह को मिटाने का कार्य किया गया। आज अयोध्या को जो राम नाम को चिल्ला रहे हैं ना कि राम को आप लाए हैं, आज उसी को हम लोग पुनर्स्थापित किए हैं, तब राम नाम को कि हम राम नाम के मंदिर को राष्ट्र निर्माण के नाम पर बना हुआ स्थापित नहीं किया है, वो कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, और कोई उस मंदिर को कोर्ट ने आदेश किया, भारत हिंदुस्तान के लोगों ने सार्थ उसको स्वीकार किया, और प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, इसमें सारे वर्ग के लोग किसी कहते हैं अगर कोर्ट ने निर्माण किया तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। माहौल बहुत गर्म है यहाँ और मुद्दे कई हैं, किसी के विचारधारा पे कोई चोट नहीं कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम और रात के 100 ग्राम, जैसे इनका नारा है, दिन में जय श्री राम, रात में 200 ग्राम,
200 ग्राम मारेंगे जय श्री राम भुला जाएंगे। इन लोगों का यही फार्मूला है दिन के जय श्री राम राज के 200 ग्राम है। श्री राम एक आराध्य है, एक गाना ये भाजपा आईटी सेल वाले गा रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं है राम को लाने की। आज ये चिल्ला रहे हैं कि राम इनको मान, मुझे बड़ी खुशी है। इसके पहले 2017 से पहले राम का नाम नहीं लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जान देन है कि ये परशुराम का मंदिर बनवाने का काम। क्या राम के नाम पे बीजेपी चुनाव मैदान में आएगी? राम नहीं, राम के अस्मिता के सवाल के नाम पर आएगी, काशी और मथुरा के नाम पर आएगी, राष्ट्र के ऊपर युवाओं को रोजगार मिला। क्या मानते हैं कि ये कह रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं भाई साहब ने कहा कि ठाकुरों को सिर्फ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कितने जिले में छोटे छोटे आईसीयू मिनी आईसीयू नहीं थे, लेकिन योगी सरकार ने आई और सारे जिलों में छह छह बेडों के मिनी इंसेफ्लाइटिस का वार्ड लगाया। और कोरोना में मेरी ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कोई कहेगा ऑक्सीजन से मरेंगे उन पर FIR करके जेल में डाल दिया जाएगा। क्या मानते हैं कि अबकी बार जो है काशी और भाजपा सरकार फेल है? ये आज जुमले में चली गई 15 लाख रुपया हर परिवार को नौकरी, ये सब कहीं इनका नहीं है, बस हवा हवाई है। एक जुमला फेंक दिया कि मैं पेंशन दूंगा। 2012 से 70 तक तो पेंशन दिए नहीं, ये भी कह रहे हैं हम भी जुमला होकर के। लेकिन सरकार ये जनता भुलाने में नहीं है और भाजपा की सरकार बनने वाली है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि हम निराश्रित महिलाओं को पेंशन देंगे, शादी के लिए उनको अनुदान देंगे, वो लैपटॉप देंगे, कन्या विद्या धन देंगे, और एम्स की जो जमीन थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी, जिला कारागार जो बना समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया, यही नगर पंचायत मघर में 12 से 15 के कार्यकाल में करीब 60 करोड़ रुपए का काम हुआ, जो आज बाद मुख्य द्वार से आ रहे हैं, चाहे यहाँ से आपको जो सामने गेट दिख रहा है, दो लेन की सड़क हो, सारी सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय आजम खान नगर विकास मंत्री थे, उनके द्वारा दिए गए पैसे से ये कार हुआ। तो ये खलीलाबाद की विधानसभा की आवाम थी जिनका साफ तौर पे मिला जुला असर यहाँ देखने को मिल रहा है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर अच्छे काम अगर 5 साल में सरकार ने किए होंगे तो ये सरकार रिपीट होगी, अन्यथा यहाँ की जनता खलीलाबाद विधानसभा की जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। जय कबीर।